हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फोर स्मॉल थिंग, जो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ाती हैं। वो चीजें आपको बूम बाम से सीखनी चाहिए। फोर स्मॉल थिंग यू शुड यू मस्ट लर्न, हर एक बंदे को बूम बाम से सीखनी चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज डोंट कॉम्पीट विद अदर, कॉम्पीट विद योर लाइफ, कॉम्पीट विथ योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप से कॉम्पीट करो। तो हम दूसरों से कॉम्पीट करने के चक्कर में क्या रहता है कि हम खुद को बेहतर बनाते नहीं है और दूसरा जो कर रहा है वो कॉपी करने लगते हैं, और दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में हमारी जो रियल पोटेंशियल है, जो हमारे अंदर यूनिकनेस है, वो हमसे छूट जाती है, क्योंकि हम हमारे आप को बेटर पॉलिश करने पे फोकस नहीं करते। जितना आप अपने अपने ऊपर मेहनत करोगे, अपने आप को बेटर बनाओगे, ठीक है, तो आप उतने ही बेहतर बनते जाओगे। ठीक है, ये दूसरी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बूम बाम से क्योंकि फर्स्ट वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। ठीक है, सेकेंड अवॉइड हेट स्पीचेस। ठीक है, एक आपको लॉन्ग टर्म में क्रिएटर बनना है और एक शानदार क्रिएटर करना है बनना है जिसका हर एक बंदे के पास इन्फ्लुएंस हो, तो बिना बात की कंट्रोवर्सी में पढ़ना बंद करो। बिना सर पैर की बात में कोई भी बोलना ओपिनियन देना छोड़ो, क्योंकि अगर आप उसी में फंसे रहोगे ना, क्योंकि वो उस तरीके के लोग रहते हैं ना, वो कुछ बड़ा नहीं कर पाते, वो सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी से करते हैं और छोटा मोटा पैसा कमाते हैं और वो वहीं सेटल रहते हैं, वो उतनी कॉन्ट्रोवर्सीज में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रोवर्सी से कोई जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। हेट स्पीचेस रहती ना बहुत खराब रहती है, करियर बर्बाद कर देती है, अच्छे अच्छे लोगों का काम तक नहीं मिलता। ठीक है, थर्ड स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड पेरेंट्स। ठीक है, ये बहुत छोटी बात है, हमको लगता है कि आजकल की जनरेशन में, जो हमारी जनरेशन है, ठीक है, वो घर वालों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर, दिन भर मोबाइल में लगे, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, घर वालों को टाइम नहीं दे रहे, दूसरे शहर में रह रहे हैं, और उससे क्या रहता है कि हमारे अंदर का जो रहता है ना, क्या बोलते हैं, अंदर से हमारे पास, पहले तो हमारे पास समय होता है जब हम वो चीज नहीं कर पाते, जब समय नहीं होता ना तो हम उस चीज का रेगुलेट करते हैं, काश में मेरे किसी पर्टिकुलर दादाजी से बात कर लेता हूँ, वो और अच्छे से स्पेंड करता, मैं अच्छे से बात करता। ठीक है, तो कल किसी ने नहीं देगा, कल क्या हो जाए, तो घर वालों से जितना हो 5 मिनट 10 मिनट कॉल पे बात कर रहे हो, पर्सनली मिल रहे हो, घर पर रह रहे हो, तो वो बहुत बढ़िया रहता है, वो आपको कभी भी रिग्रेट नहीं कराएगा जो आप घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जेलेसी किल्स फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, अगर आप दूसरों से जलोगे, ठीक है, तो हमेशा आप अपने अंदर से बर्बाद खोखले होते जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा ही लगेगा कि उसको जल्दी सक्सेस मिल गई, ठीक है, उसने ऐसा क्या किया, कुछ बेकार कंटेंट बना रहा है, कुछ भी, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी चीज हो, ठीक है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो, ठीक है, तो इस चीज को सीखो। तो दूसरों से जलोगे तो अंदर से खोखले हो जाओगे। ठीक है, तो दूसरों की हेल्प करो, दूसरों से सीखो, आगे बढ़ो, एक दूसरे की हेल्प करो, उससे आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।